हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में चोर घुस आया था, और इसके पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अलेजी भाई पुलिस के साथ मिलके उस सातीर चोर को पकड़ लिए थे। मतलब कि भाई वो सातीर चोर बहुत ज्यादा चोरी कर रहा था रात को, और अलेजी भाई पुलिस के साथ प्लान बना के पकड़ कर जेल में डाल दिए थे। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है अलेजी भाई के ऊपर, और अलेजी भाई को देखो अभी इसके साथ क्या होता है और अभी क्या करने वाला है अलेजी भाई। अरे यार भाई, बार बार पुलिस वाले की फ़ोन आ रही है, और फ़ोन में जैसे ही पिक कर रहा हूँ तो फ़ोन कट जा रही है। क्या पता क्यों पुलिस वाले बहुत डरे हुए हैं और मेरे को बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं। ये देखो फिर से कॉल आई। हेलो सर जी, बोलो क्या हुआ। अरे अलेजी भाई, जल्दी तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन के अंदर हम दोनों ने मिल के जिसे एक साथी चोर को पकड़ा था, वो साथी चोर फिर से भाग चुका है। और वो साथी चोर इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से भागा है कि मतलब हम लोग को भनक भी नहीं लगी और वो भाग गया पुलिस स्टेशन से। अरे सर क्या बोल रहे हैं, वो साथी चोर भाग गया। रुके, जल्दी मैं आ रहा हूँ आपके पास। यार डायनो, तेरे को मालूम चला कि उस सातीर चोर को जिसे हम लोग पकड़े थे ना, जेल में डाल दिए थे, वो सातीर चोर फिर से भाग गया। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो, उसे तो हम लोग कितनी मेहनत से पकड़े थे, अब वो इतना साथी हो चुका है कि अब वो जेल से भाग जा रहा है बार बार। मालिक अब तो उसे पकड़ के मेरे को लगता है मार देना चाहिए, क्योंकि वो अब तो जेल में भी नहीं रह रहा है, और फिर से हम लोग उसे जेल में डालेंगे तो फिर से वो भाग जाएगा। डायनो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से हम लोग उसे पकड़ेंगे, यहीं पे होगा सारा चोरी कर रहा होगा। जल्दी से मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, जाके सर से बात करता हूँ। ये क्या भाई, मैं तो पुलिस स्टेशन पहुँच गया, और सर जी क्या बात हुआ बोलो। अरे यार अलीजी भाई, वो तुम देखो जेल में जाके देखो यार, जेल को कैसे मतलब जेल को कुछ हुआ भी नहीं है, और साथी चोर कैसे भाग गया हम लोग को पता नहीं चल रहा है। हम तीनों मिल के डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे वो चोर को पकड़ा जाए, तुम भी हमारी हेल्प करो। अरे भाई साहब, ये तो सही की बात है, जेल तो पूरा खाली है। मतलब कि भाई जेल में जिसे हम लोग साथी चोर को पकड़ के रखे थे, वो साथी चोर तो भाग चुका है। भाई वो साथी चोर बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और वो बार बार जेल से निकल जा रहा है। सर मेरे को लगता है अब हमें मिल के साथ में उसे पकड़ के मार देना चाहिए, क्या बोलते हो। हाँ अलेजी भाई, तुम सही बोल रहे हो, हम तीनों भी यही डिस्कस कर रहे थे। चलो अब चल गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकालने के बाद जल्दी से उसे अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसे गन से फायर करेंगे, उसे मार देंगे। सर जी यही सही रहेगा, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ तो वो पुलिस वाले और वो अलेजी नाम का लड़का मेरे को समझता क्या है, और वो अलेजी नाम का लड़का तो मेरे जैसा पूरा हमशक्ल है, और वही पुलिस के साथ मिलकर मेरे को पकड़वाया था। लेकिन अब तो मैं भाग गया हूँ, और वो देखते हैं अब कैसे पकड़ते हैं मेरे को। और उन लोगों को पता नहीं है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, जो कि मेरा हेल्प करता है मेरे को जेल से निकालने में, और उसी ने मेरे को ये लॉन्चर दिया है, जो कि अब बोला है कि पुलिस अगर मेरे सामने आती है तो उसे मैं मार दूंगा। अब तो मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आज मैं यहीं पर रहूँगा, क्योंकि मैं रात होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही रात होगी, मैं यहाँ पे दो कार देखा हूँ, और वो दो कार बहुत ही फेमस कार हैं, एक वो फॉर्चुनर है और एक भाई थार है, और उस दोनों को आज चोरी करूँगा और ले जाके शहर में बेच दूंगा, और मैं माला माल हो जाऊँगा। आज तो बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ इस विलेज से, अगर इस चोरी के बीच कोई भी आता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो पुलिस भी क्यों ना हो। तो जल्दी से रात होने का वेट करता हूँ, और उसके बाद भाई चोरी करूँगा अपने साथी दिमाग से। तो 3 घंटे बाद रात हो चुकी है, और जल्दी से देखता हूँ, लग रहे हैं सब कोई सो गए हैं, और जल्दी से उतर के मैं चलता हूँ चोरी करने के लिए अपने उरनछू से, और उरनछू को तो साथ में ही रखता हूँ मैं। चलो जल्दी से चलते हैं, उस थार और फॉर्चुनर को चुराते हैं भाई। ये मैं फॉर्चुनर के पास आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी एक प्रॉब्लम है, मेरे को दो कार चुरानी है, और दो कार मैं एक साथ नहीं चला सकता। लगता है मेरे को अपने दोस्त को बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो कहीं और चोरी कर रहा होगा, वो मेरे साथ अभी नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है एक एक बार करके ये दोनों कार को चोरी करना पड़ेगा। वैसे कार देखो यार कितनी मस्त है, वैसे मैं पहले फॉर्चुनर लेके जाऊंगा, नहीं तो भाई अगर किसी को मालूम चल भी गया तो फोड़ सकता हूँ। तो चलो जल्दी से फॉर्चुनर लेके चलते हैं भाई हम लोग। ये क्या भाई, आगे पुलिस कहाँ से घूर रही है, और पुलिस को कैसे मालूम चला कि मैंने इस कार को चोरी किया है। लगता है पुलिस को मालूम चल गया है, और मेरे को भागना पड़ेगा बहुत ही तेज तरीके से इस फॉर्चुनर को लेकर। और भाई अब मैं जल्दी से भागता हूँ, नहीं तो फिर से पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। अब मैं जेल नहीं जाना चाहता, तो जल्दी से लेकर चलता हूँ अपने फॉर्चुनर को। अरे भाई यार, पुलिस तो आ गई, लगता है मेरे को उतर के इन लोगों को फायरिंग करना पड़ेगा, और इतनी सारी पुलिस आ गई है, मैं तो अब भाग भी नहीं सकता, लगता है गन से ही फायरिंग करना पड़ेगा इन लोग को। ये ले, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई बहुत ही अच्छा गन दे दिया है मेरा दोस्त मेरे को, और देखो इसे तो ऐसे ही भाई, ये तो उड़ भी नहीं रहा है, मेरा फॉर्चुनर को आग लग गई। और जल्दी से इन सारी कार को ब्लास्ट कर देता हूँ। वैसे पुलिस नीचे उतर के गन से फायरिंग कर रही है, लेकिन उससे बड़ा लगा गन है मेरे पास, और इन लोगों को तो छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन ये पुलिस तो मर भी नहीं रहा है भाई, क्या खा के आया है मालूम नहीं चल रहा है। और पहले इस कार को उड़ा देता हूँ, और भाई जल्दी से पकड़ते हैं इन लोग को।
जल्दी से भाई, मेरा गोली शायद ख़त्म हो रहा है और 3 गोली मेरे पास बची हुई है, लेकिन ये सारे पुलिस मेरे पीछे पड़ रहे हैं और लगते आज मेरे को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ ही लेंगे भाई। उस अलेजी को मैं नहीं छोड़ूंगा, हमको लगता है उस अलेजी के कारण ये पुलिस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो पहले अगर मैं तो उससे बदला लूंगा और उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो इस पुलिस को तो ख़त्म कर दिया और उस पुलिस को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ भाई। कोई भी पुलिस मेरे सामने टिक नहीं पा रही है और आज मेरे पास बहुत ही ब्रह्मास्त्र है जिसे मैं सारी पुलिस को मार सकता हूँ। ये देखता हूँ कितनी सारी पुलिस आती है और किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं तो भाई। मेरी गन की गोली खत्म हो गई और भाई मेरा हेल्थ भी खत्म हो रहा है, लगता है भाई मैं नहीं बच पाऊंगा यार। ये यार अरेस्ट कर लिया फिर से यार। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि भाई ये साथी चोर फिर से पकड़ा गया है और ये भाग चुका था जेल से। तो आगे गाइस क्या होने वाला है, क्योंकि ये साथी चोर बोल रहा है कि अलेजी भाई को अब नहीं छोड़ेगा, कि अलेजी भाई को ये मार देगा। तो अगर आप लोगों को आगे देखना तो ये आएगा पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।